अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हम सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार फिलहाल अभी आपका भाई पेपर देकर आ चुका है और पेपर मेरा बिल्कुल ठीक हुआ है। कहाँ से मेरा ठीक हुआ, पेपर ही नहीं देने गया यार, पेपर ही कैंसिल हो गया। अल्लाह की कसम, इतनी तैयारी की है यार, पेपर एंड टाइम पे आकर कैंसिल हो गया यार। कैंसिल हुआ जी, इमरान खान को अरेस्ट कर लिया तो सारे इमरान खान के सपोर्टर निकल गए बाहर, जिसकी वजह से हमारा पेपर भी कैंसिल हो गया। गलत किया ने यार, पेपर क्यों कैंसिल किया ने, पेपर लेते भाई जान छुड़ाओ, अपनी जान छूटती पेपरों से, पेपर ही कैंसिल कर दिया यार। पता नहीं दोबारा कब होगा पेपर, कोई पता नहीं है। फिलहाल अभी ऐसे ही मैं लेटा हूँ, यूट्यूब चल नहीं रही सही, नेट सारी खराब हुई हुई है। वीडियो रात को मैंने 2-3 घंटे बैठ के अपलोड किया, देखते हैं यार अब क्या होता है। पेपर है पता नहीं कब होना मेरा, अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ यार। फिलहाल अभी जरा मैं डेरे पे बस, और ये देखो हमारी उमरी ने यहाँ पे दिए 4 अंडे, वहाँ पे 2 अंडे दे के बेस उनकी केयर नहीं थी करती, और यहाँ पे इसने 4 अंडे दे दिए, देखो 3 और वो चौथा 4। लेकिन मेरे हाथ से तो ये भी सारे खराब ही अंडे होंगे, क्या कह सकते हैं। ये देखो बाकी अभी मैंने पेपर की तैयारी करनी है, वो कह रहे हैं कि कल साइंस का पेपर होगा, कुछ कह रहा है पता नहीं होएगा भी नहीं या नहीं होएगा, देखते हैं हम दिखा जाकर तैयारी करते हैं, अब आपको मैं बाद में दिखाती हूँ भाई। फिलहाल अभी मैं अपने नानों के घर जरा ये फालसे शालसे लेके आए, मोबाइल फालसे वाला आया तो मैंने कहा फालसे ले लेते 50 रुपये के। और बाबा जी मुझे तो कुछ समझ लग रही पेपरों की, कभी कहते हैं अपने टाइम पे होंगे, कभी कहते हैं 13 को होंगे, मुझे तो चढ़ रहा है गुस्सा। मैं दिल मैं पेपर ही ना दूँ, क्योंकि कल मैं पेपर की तैयारी करके जाऊँ तो कल के पेपर ही नहीं है। फिर जैसे मैंने कल पेपर की तैयारी की थी तर्जुमतुल कुरान, जितनी मेहनत से इतनी ज़्यादा तैयारी किया, वो कहते हैं वो उसका पेपर नहीं लेना, पता नहीं कब लेना। तो मुझे मेरा तो दिल ही को नहीं कर रहा पेपर अब देने का, ये जिस तरह के काम कर रहे फजूल के, देखते हैं मेरा पता नहीं कल होएगा या नहीं। अभी साइंस की तैयारी थोड़ी सी कर ले रहा हूँ, साइंस का वैसे मुझे आता तो सारा है, एक बार पढ़ नहीं है, पढ़ लेते हैं जाकर ट्यूशन, फाल छिखाने के बाद चलते हैं। अब आपको ट्यूशन जाके दिखाऊंगा यार। मैं वॉशरूम से होके आ गया हूँ और अभी मैं करने लगूँ अपने साइंस के पेपर की तैयारी दोबारा, वैसे मैंने पहले सारी की हुई है लेकिन मतलब रिवीजन करने लगा हूँ, क्योंकि कल मेरा साइंस का पेपर है। पता नहीं कल साइंस का पेपर होता भी है कि नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से तो होएगा। बाकी यार मैं अब आपको साइंस के पेपर की तैयारी करने के बाद दिखाऊंगा यार। अभी मैं पढ़ रहा था लेकिन मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना पढ़ने के साथ साथ, जिसको भी सुन नहीं, मैं बुक जलाने लगा था, फिर मैंने नहीं जलाई क्योंकि बस मेरा आहिस्ता करेगा मेरा दिमाग, पता नहीं क्या है गया कि नहीं रहने दे, नहीं जलाता मैं कंट्रोल कर लेने, तो मुझे इतना सख्त गुस्सा चढ़ रहा था, कंट्रोल कोई हिसाब नहीं है। बाकी फिलहाल अभी हम मिनी सुपरा पे जाने लगे हुए हैं, इधर बाहर अपनी मिनी सुपरा पे जा रहे हैं, इधर बाहर के दोस्त थोड़ा हो सकता है पिए या कुछ हो, जरा दिमाग ठंडा हो। मैंने तो बड़ी सख्त आप चढ़ दी अलग उसमें पेपर जो कर दिए आगे, अब वो पता नहीं पेपर कब लेंगे, पता उसके बाद मैं तैयारी करता रहे कसम से, इतनी कुछ जाहिल हुआ मैंने पाकिस्तान की। मैंने वीडियो देखी है बाबा जी, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, पहला कलमा लिखा हुआ है, उसको मार मार के डंडे तो फेंक रहे हैं। जिन फौजियों ने मुल्क आज़ाद करवाया उनके वहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी है कि मुल्क जिन्होंने आज़ाद कराया ना फौजियों ने अपनी जान बाबा जी दे के उनके शीशे सारा तोड़ के उनकी फोटोज के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। इतनी कुछ जाहिल, और कोई मैं कहता हूँ इतनी कुछ जाहिल हवा मैंने जिसका कोई हिसाब नहीं है, जो बीच में कुछ अच्छे भी हैं ये नहीं मैं कहता सारी जाहिल हवा में, लेकिन जिन्होंने ये किया ना, ये जो फौजियों के घर जाके आग लगा रहे हैं, ये सारी तो एक नंबर की बाबा जी जाहिल हवा में, कोई अक्ल नहीं इनमें है। अपना मुल्क की तबाह कर रहे हैं, और फिर लिखा क्या होता है स्टैंड फॉर पाकिस्तान, अपना मुल्क की तबाह करके, अपने मुल्क की एयरबेस तबाह करके, तो लिखा हुआ है कि स्टैंड फॉर पाकिस्तान, कोई शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं ना है। फिलहाल जान मैं तला के साथ इधर की इधर देखता हूँ, अब आपको फिर वहाँ पर पहुँच के दिखा दूँगा। रोटियाँ हम अपने साथ ले होते हैं ताकि सालन चाहे तरफ मेरे, फिलहाल चला भाई खाने लगे फिर जाके साइंस की तैयारी भी करनी है। मेरा जरा गुस्सा ठंडा हो गया है, तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था भाई, मेरा तो दिल ही नहीं था कर रहा था पेपर की तैयारी करने का। फिलहाल अभी खाना खा लो, इससे पहले तला सारा खा जाए भाई, बाद में आपको। अभी हमने टिक्की शिक्की खा के रोटियों के साथ अभी मैं जा रहा हूँ तला की जरा हाला के घर, सॉरी पुप्पो के घर है, रोटियाँ अच्छा नान भी खाया था, बस अब चुप खाता गिन आता ही रहता हर वक्त, शोधा शख्स मैं बाबा जी, 3-4 रोटियाँ ली हैं
मोबाइल लेके जाना है, तो वो भी हम चेक करवाने जा रहे हैं। चेक करवा के अगर पसंद आया तो ले लेंगे, नहीं तो वापस उस बंदे को दे देंगे। तो अभी मोबाइल चेक करवा के आपको मैं वापस में दिखा दूँ। तला की बात, तला को बोल बोल के फाइनली तला ने मुझे लेमन सोडा पिला दिया। वो भाई भी लेमन सोडा लगा रहे हैं ठंडा ठंडा। मेरा गला ये रहा बहुत फुल सूखा हुआ था, मुझे इतनी प्यास लगी हुई इतना जिस साफ नहीं। मैंने तला को आया, तला कहता चल ठीक है यार पिला देता हूँ। वो भी भाई लगा रहे हैं लेमन सोडा, लगा के आते हैं आपको पीने वगैरह दिखाते हैं। चल फाइनली लेमन सोडा बन के आ चुका है। चलो भाई कैसे हैं? चलो भाई चलो ठीक है ओके। बाकी आपको पीने के बाद ही मोबाइल का जरा काम शाम करके मैंने ट्यूशन जाना है, आपको बाद में बताऊंगा। और जी भी फिलहाल मैं बैठा हुआ था और अभी बैठे हुए मुझे खबर मिली है कि कल पेपर नहीं होना। कोई कहता है कल पेपर होना है, कोई कहता है कल पेपर नहीं होना, कोई कहता है कि ये, कोई कहता भैन की सीरी को समझ नहीं आ रही यार। मतलब के हाल एक तो खराब हुए हुए हैं और दूसरा मेरे भी हाल खराब हुए हैं। कभी कहते हैं पेपर होना है, कभी कहते हैं नहीं होना। पता नहीं यार क्या चक्कर है, अब क्या करते हैं कोई पता नहीं बाबा जी। इसलिए अभी 50-50 अभी ट्यूशन जा कर पूछता हूँ, जो फिर होता है फिर आपको बताता हूँ यार। अब क्या कर सकते हैं हम भी। अब बाबा जी फिलहाल अभी रात का यार पता नहीं क्या टाइम हो रहा है। अभी मैं निकलूँ मामा के साथ, जरा मैंने अपनी जैकेट पता करनी थी, मूसा जैकेट जो कि मैंने आपको बोला था ना, उन्होंने कहा था वेडनेसडे को आएगी। तो आज अभी पता करते हैं, पेपर का कोई पता नहीं चाह रहा, लेकिन ज़्यादातर तो यही खबर है कि पेपर अब होएंगे नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ भाई ना हो के रोए भी आओ के भाई ने पेपर नहीं देने, क्योंकि मेरे मुझे चढ़ गया गुस्सा। बार बार कभी कहते हैं ये, कभी कहते हैं वो, सारा शेड्यूल खराब कर दिया तो मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं पेपर होए भी तो नहीं दूंगा। छोटा भाई भी मेरा मेरे साथ ही है। अब चलते हैं जैकेट जैकेट पता करती हैं, मिली तो ठीक, नहीं तो अब आपको घर पहुँच के दिखाता हूँ। बाबा जी तो फाइनली भी मैं घर आ गया हूँ और मुझे मेरी जैकेट भी मिल गई है, जो कि मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था। पहले दुकान पे गया उधर से नहीं मिली, मैं हो गया था गमगीन। मैंने कहा यार आज भी नहीं मिली, अब दोबारा इतना वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर हम दूसरी दुकान पे गए तो मिल गई है मुझे। तो क्या कहते हैं फिर आपको दिखा दूं। चलो यार दिखाई देता हूँ, ये चेक करो बाबा जी। इसमें जरा दो कलर थे, एक था ब्राउन कलर और एक था ये ब्लैक। दो नहीं थे, चार पांच कलर थे। ब्राउन वो जो नहीं होता खाकी ब्राउन, ब्लैक था, खाकी ब्राउन था, ये फौजियों वाला जो नहीं होता जिस तरह का मेरे पास सिक्स पॉकेट ट्राउजर है वो था, और मैरून था जो पहले भी मैंने वीडियो में मैं नहीं दिखाया हुआ, मैरून था। बस यही सारे थे, उसमें से मैंने ब्लैक लिया। अभी मैंने ब्राउन कलर मुझे पसंद आया था, मेरा दिल है वो भी ले लूँ। चेक करो दो मिनट, तमीज़ इत्मीनान से इसको एक बार ही दिखाते हैं। ये चेक करो, एक थंबनेल के लिए फोटो एक चीज़, और दूसरी मैंने इसके ऊपर पहनने के लिए शर्ट भी लिया। इसको तमीज़ो इत्मीनान से साइड पर आ देते हैं। अभी मेरी नई जैकेट है, इसको इत्मीनान से साइड पर रख दो। अब आपको दिखाता हूँ इसके नीचे पहनने के लिए जो मैंने शर्ट लिया है। मेरी जोहरा भी ये लिया मैंने शर्ट इसके नीचे पहनने के लिए, और पैंट तो मेरे पास ऑलरेडी है। जो आपको मैंने एक ब्लैक पैंट नहीं थी दिखाई जो मैं बड़े टाइम से ढूंढ रहा था सिक्स पॉकेट, वो इसके नीचे पहनूंगा। और ब्राउन कलर भी है, वो मेरा इरादा बन रहा है ब्राउन कलर भी हो सकता है मैं कल ले लूँ, क्योंकि ब्राउन कलर मामा को पसंद आया था और ब्लैक कलर मुझे। ये फायदा होता है मामा को साथ लेके जाने का, मामा को पसंद आया मैं वो भी ले लूंगा, फायदा तो मेरा ही है। और पेपरों का यार क्या है कि मेरे से नहीं होंगे, वैसे हुए भी तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। बाकी देख लो यही है यार, और इस व्लॉग को भी यार यहाँ पर करते हैं अभी एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फिर मान लिया, अल्लाह हाफिज़।